गाइस मैं जा रहा हूँ झारखंड रामगढ़ रजरप्पा मंदिर, चलिए गाइस। राजरप्पा मोड़ पर पहुंच गया हूँ। ये रोड बोकारो स्टील सिटी और रांची वाला रोड है, हमको जाना इधर से राजरप्पा 16 किलोमीटर, आप देख सकते हो। पानी ने गाइस मैं पहुंच गया राजरप्पा, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस। चलिए गाइस गेट देखिए, यही गेट है, बड़ा सा गेट लगा हुआ आप देख सकते हो, और आप लोग आगे ले जाते हैं, बहुत बड़ा गेट। ये गेट जो है यहाँ से गाइस स्टार्टिंग होता है, एक रोड दहना साइड में, इधर नहीं जाना है, बाएं साइड में जाना, इस साइड में यहाँ पर इस साइड में गाड़ी उड़ी खड़ा कर। देखिए गाइस यहाँ पर रेस्टोरेंट है इस साइड में, और 4 व्हीलर का 100 रुपये बोल रहा है और 2 व्हीलर का 50 रुपये। मैं प्रसाद लीजिएगा तो वही रख देंगे, तो 10 रुपये में हो जाता है। गाइस यहाँ से जो है डाउन है, यहाँ पर जो है एक नदी भी बहती है, पुल को पार करना पड़ता है गाइस, लोग को दिखाते हैं, बहुत सुंदर है। देखिए इस साइड में पूरा इस साइड में पूजा सामान मिलते हैं, आप देख सकते हो। इधर पहले जाते हैं बहुत भीड़ यहाँ पर। इधर साथ देख सकते हैं अलोक, ये है, ये देख सकते हैं, और यह पेड़ा है, बहुत अच्छे से पता सकते हैं, और ये देखिए अपना भी रहेगा तो जब पूजा करने के लिए जा रहे हैं। यही मंदिर है, चलिए गाइस। दो दरवाजा है तो हम गाइस देखिए गाइस यहाँ पर देखिए पूरा ये देखिए, ये शिविर और ये मंदिर आप देख सकते हो, बहुत सुंदर। दिखाता हूँ दूसरा जगह जा रहे हैं आप लोग को, देखिए बस गाइस आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर जा रहे हैं, आप देख सकते हो अंदर अलाउड नहीं है कैमरा, इसलिए आप लोग अंदर नहीं दिखा पाएंगे गाइस, यहीं से देख लीजिए। यहाँ पर जो है गाइस नारियल बलि होता है, आप देख सकते हो। ऑडियो पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो है और जो है पत्थर बांधते हैं गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्थर ही पत्थर है। उत्पन्न सपरिवार मनोगता, आप लोग पूजा कर लिए? पूजा कहाँ से आए?
दिल्ली से। अब हम काली मंदिर पर जा रहे हैं गाइस, पूजा करके आ रहे हैं। देखो इन लोग गाइस, आप लोग पूजा करने आए हो? कहाँ से? तोपचाची से। वाह, अच्छा लगा? अच्छा लगा। पहली बार आए हो? आप लोग कहाँ से आए? मैं जमशेदपुर से आया हूँ। हम लोग यहाँ कंटिन्यू मतलब 1985-86 से आता हूँ। हर महीना, दो महीना, तीन महीना में माँ का आशीर्वाद है, हम लोग आना जाना लग बराबर होते रहते हैं। इस बार आए हैं परिवार के साथ, कोलकाता से हमारे ससुर जी, सासू माँ आए हुए हैं। इसी ब्लॉक में आज दर्शन करने आए हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हो श्री कृष्ण ब्लॉक, देखिए कितना सुंदर है गाइस। इधर देखिए आपको, अब हम जो का देखिए पूरा देखिए गाइस, यहाँ पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य, देखिए गाइस ये देखिएगा इस बहुत सुंदर। चलिए आगे ले जाते हैं। अच्छा लगा? और यहाँ पर आप लोग को और दिखा देता हूँ, देखिए कैसा लगा मंदिर? बहुत अच्छा। आप लोग कहाँ से? गोला से। गोला से। पंडित जी से बात करते, बोलिए। ये अष्ट महाविद्या का मंदिर है, इनको 10 महाविद्या बोलते हैं। 2 महाविद्या का मंदिर, एक छिन्नमस्ता का उधर है और दक्षिणा काली का इधर है, और इसमें 8 गश। आप लोग को हम ले जाते हैं। जय माता जी। अब देखिए देखिएगा, सब देख सकते हो बहुत अच्छा है गाइस। आप लोग पूजा कर लिए? हो गया सर, आज हमारा एनिवर्सरी है शादी का। हाँ, ये रामेश्वर मंदिर आ गया था, बहुत बढ़िया जगह। अच्छा अच्छा, आप लोग कहाँ से? आंध्रा का। आंध्र विशाखापट्टनम। यहाँ क्या करते हैं? सीसीएल नौकरी में। अच्छा, करेंगे हम सीए सबका। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पर फोटो क्लिक हो रहा है, देख सकते हैं। देखिए इन लोग देखने के लिए कहाँ से आप लोग आए? सिल्लीमुरी। बोलिए पंडित जी। मेरा नाम दुर्गाधर पांडे काली अर्चक राजप्पा है। मैं यहाँ माँ दक्षिणा काली की सेवा में हूँ। राजप्पा में 10 महाविद्या का मंदिर है, जिसमें प्राचीन मंदिर माँ छिन्नमस्ता है, और उसके बाद काली तारा महाविद्या, षोड़शी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका, एता 10 महाविद्या सर्वतंत्रेश गोपिता। समस्त तंत्रों में एक गुप्त है जो 10 महाविद्या का रूप में है। आदिकाल से माँ छिन्नमस्ता छठा रूप है, आद्या रूप माँ दक्षिणा काली का है, इन्हीं का छठा रूप माँ छिन्नमस्ता कही जाती है। माँ छिन्नमस्ता भैरवी और दामोदर के संगम स्थल पर अवस्थित है। यहाँ आस्था का केंद्र विशेषता है, विशेष लोग मानसिक
अपनी पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं, मन में जो कुछ भी कामना लेकर के आते हैं माँ छिन्नमस्ता पूरा करती हैं। जाइए, कब से आप कब से मांगते हैं? हम तो यहाँ 2021 से से। देखिए गाइस इनका पैर नहीं, देखिए पैर है मगर बहुत लगा है। क्या कर रहे हैं बाबू? जरा मस्ती में दामोदर नदी और भैरवी नदी जो संगम होता है वहाँ आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए गाइस, बहुत सुंदर है। देखिए मंदिर के जस्ट इस साइड में मंदिर है, यहाँ पर जो है ये भैरवी नदी है और आप लोग को देखिए पानी इधर जा रहा है और इसके बाद जो है ये देख रहे हैं ना, ये दामोदर नदी है। बहुत अच्छे अच्छे होटल भी है, खाने के लिए आप देख सकते हैं अच्छा होटल। तो गाइस यहाँ पर ठहरने के लिए आप देख सकते हैं और श्री राज होटल भी है, बहुत सारा होटल है मगर आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। गाइस ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।